इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स हमारे दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस नॉमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स हमारी देखो एक्स स्क्वायर भी हो सकती है, वाई स्क्वायर भी हो सकती है, 7y स्क्वायर भी हो सकती है, ठीक है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है टर्म्स। ठीक है, मैनी टर्म्स जब इनको प्लस माइनस जब हम कुछ बनाते हैं हमारा पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, प्लस माइनस करके। अच्छा, अब हमारे पॉलिनोमियल ये होता है, इतना समझ आ गया। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर मान लो मैं किसी पॉलिनोमियल को लूँ, मैं पॉलिनोमियल ले लेती हूँ, ठीक है, मैंने ये पॉलिनोमियल ले लिया, अगर मैं एस को एक्स मान लूँ या कुछ भी, चलो एस से कर लेते हैं, इसको मैं ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ और इसको मैं सी मान लूँ, तो ऐसी फॉर्म आएगी। तो बस मैंने यहाँ पे एक्स रख दिया, इस वाले में मैंने एक्स रख दिया, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, जो हमारा ये होता है, ये वाला फर्स्ट वाला, वो ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। ठीक है, ए बी सी। अब हम कैसे पता लगाएंगे भाई कोई जो हमारे पास गिवन है इक्वेशन वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, हमारे पास है ना कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो एक तो देखो सब, जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, कैसे नहीं है, एक तो इसमें रूट आ रहा है, ठीक है, एक इसमें फ्रिक्शन में आ रहा है, बाय में आ रहा है, अपोन में आ रहा है, ठीक है, और ए इसकी जो ऊपर वाली जो नहीं है डिग्री वो माइनस में है, तो ये हमारे नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारे सब पॉलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, अब पता चल गया कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होंगे जो रूट में आ रहे होंगे, अपोन में आ रहे होंगे और नेगेटिव होंगे, उनकी डिग्री ठीक है नेगेटिव में होंगी, वरना अदरवाइज तो देखो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस माइनस कुछ भी फाइव, ठीक है, ये भी है, पहले माइनस आके डजन मीन कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब था ऊपर, मतलब जो डिग्री बात है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, जो पावर होती है, जो हाइएस्ट पावर होती है, ठीक है, उसे हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो हाइएस्ट पावर होती है ना उसे हम डिग्री बोलते हैं। मैं अभी डिग्री की तो बात करी थी, है ना, हाइएस्ट पावर हम क्या बोलते हैं, डिग्री को, मतलब डिग्री बोलते हैं। अगर मैं ये पॉलिनोमियल लूँ तो मैं क्या बोलूँगी, इसकी हाइएस्ट पावर क्या है, तो मैं यहाँ पे एक तो एक्स स्क्वायर है और एक एक्स है, वेरिएबल एक्स है और एक्स स्क्वायर है। वेरिएबल क्या होता है भाई, थोड़ी देर बाद बता दूंगी, ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट है, एक्स वाई जेड वाई, ठीक है, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स। अब एक्स की डिग्री, ठीक है, एक्स की मैंने पहले ही लगा दिया है, एक्स की डिग्री यहाँ पे टू है और यहाँ पे वन है ना, यहाँ पे फाइव एक्स वाले में जो डिग्री है इसकी टू है और इसकी सेवन एक्स वाले में इसकी वन है, तो ये वन वाला ज़्यादा बड़ा है या टू वाला ज़्यादा बड़ा है, टू वाला ज़्यादा बड़ा है तो इसकी डिग्री होगी टू, हाइएस्ट नंबर लिखते हैं हमेशा। ठीक है, अगर मैं ये ले लूँ, इसको मान लूँ, तो मेरी डिग्री क्या होगी, टू होगी, ऐसी वन है ये टू है तो टू होगी, अगर मैं इसको मान लूँ तो ये वन है और ये टू है तो टू होगी, थ्री फोर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसमें टू के एग्जाम्पल थे तो टू के देते हैं अब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हमारे कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं जिसमें हमारी डिग्री वन हो, ठीक है, हम मैंने क्या बोला, लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं जिसकी डिग्री वन हो। यहाँ पे एक मेरे पास एग्जाम्पल है, एक्स की डिग्री मेरे पास वन गिवन है, मतलब गिवन ही मतलब वन है, ठीक है, आगे समझ, मतलब वन है ना डिग्री, तो उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिग्री टू होती है, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें देखो वन है और टू है ना, वन है टू है, बट हमें तो डिग्री करनी है, डिग्री तो सबसे बड़ी होती है ना, टू बड़ी है ना, तो हमें क्या होगी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री थ्री होगी, जिसकी डिग्री थ्री होगी, ठीक है, ये मेरे पास एक एग्जांपल हो गया। आगे बात समझ, इतना क्लियर है। अब देखो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, सीरीज चल रही है यहाँ पे, सीरीज कैसे, अगर मैं ये एग्जांपल लूँ तो पहले एक्स स्क्वायर था, फिर एक्स हुआ और फिर एक कांस्टेंट आया, है ना, ये सीरीज। अब देखो मोनोमियल्स इसमें क्या होता है, मेरी वन टर्म होती है, एक टर्म होती है, जैसे थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, जैसे कि थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, 5x हो गया, 20u हो गया, 20y हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये क्या है मेरी एक टर्म है ना, एक टर्म है ना। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स हों, जैसे ये
जैसे ये है 5x + 6, दो टर्म्स होगी ना, दो टर्म्स आई है ना यहाँ पे, 7x² + 5, दो टर्म्स आई है ना, दो टर्म्स है ना, तो हमारे बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल कौन सा होगा जिसमें तीन टर्म्स आ जाएंगी, 4s² - 4s + 1, तीन टर्म्स आ गई तो ये क्या है मेरा ट्राइनोमियल। इतना क्लियर। अब हमारा ग्राफ से रिलेटेड, अगर हमें ग्राफ है हमारा, अगर हमें मान लो जीरो निकालनी है किसी की भी, अगर हमारे पास ग्राफ गिवन है तो हम कैसे निकाल लेंगे। एक है ना हमारा क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब देखो कैसे जीरो फाइंड आउट करते हैं, मतलब मान लो मुझे ग्राफ को देख के जीरो बतानी है तो मैं कैसे बताऊँगी। ये मेरा ग्राफ है एक्स एक्सिस पे, क्या बोला मैंने, एक्स एक्सिस। देखो ये मेरा क्या है, ग्राफ है, ठीक है। अभी जो सीधी लाइन होती है ना ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है, ये वाई के बिल्कुल सीधा होता है ना, बिल्कुल ऐसे, तो ये सीधी वाली लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। अब जो एक्स एक्सिस पे कितने भी पॉइंट पे टच करती है ना लाइन, उतनी जीरो होगी। अगर जो मैंने बनाया 1, 2, 3, तो इसकी 3 जीरो होंगी, ठीक है। अब इसकी कितनी जीरो होंगी, एक्स एक्सिस पे एक बार ही टच करे तो 1 जीरो होगी, यहाँ पे ये 2 बारी टच किया है एक्स एक्सिस पे तो 2 जीरो, यहाँ पे ये 3 बारी टच किया है एक्स एक्सिस पे तो 3 जीरो, ठीक है। इतना पता चल गया। अब देखो वेरिएबल मैंने कहा था बताऊँगी, वेरिएबल कोई भी अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड एस टी क्यू कुछ भी, ठीक है, और वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, चेंज होगा, चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि 4x हो गया, अगर मान लो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई तो ये 8 हो जाएगा, है ना, ठीक है। मतलब वेरिएबल कोई भी नंबर, मतलब नंबर नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, अल्फाबेट, ठीक है। अब मेरा कोफिशियंट क्या होता है, जो जिसके साथ है, मतलब कोफिशियंट मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, मैंने बोला ये बताओ मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। मैंने बोला भाई एक्स का कोफिशियंट बताओ, तो पता है क्या है, -2, ठीक है, आगे समझ। अब कोफिशियंट का मतलब आ गया ना समझ, मतलब जो जिसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, एक्स के साथ क्या है मेरा -2, आगे समझ। अब ये भी देख लो, ये हमारी कांस्टेंट टर्म होती है जो बदलती नहीं है, ठीक है, ये हमारे ऑपरेशन होते हैं, मतलब ये माइनस प्लस प्लस इसको अलग करके रखते हैं, अलग करके रखना मतलब वैसे देखा जाए अगर कोई साइन नहीं होगा फिर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे ना, इसलिए। इतना समझ आ गया। अब देखो किसी भी पॉलीनोमियल की हम जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड जीरो, जीरो कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। जीरो हम ऐसे फाइंड करते हैं, पहले तो हमारे पास एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशियंट ऑफ अ पॉलीनोमियल, जीरो और कोफिशियंट के बीच में जो रिलेशन होता है पॉलीनोमियल के वो। अब ये क्या है, देखो रिलेशनशिप मतलब उनमें संबंध, ठीक है, जीरोज जो जीरोज आती हैं, अल्फ़ा बीटा, दो जीरो आती हैं उनको हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। कोफिशियंट मैंने बता दिया, पॉलीनोमियल तुम्हें पता चल गया, ठीक है। एक एग्जांपल, एक मतलब एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, उसमें क्लियर हो जाएंगे डाउट, ये ना ये क्या है ये पता चल जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है मेरा, सम ऑफ अल्फ़ा मतलब ये होता है, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से देख लेते हैं। अगर मान लो मुझे इसकी निकालनी है, जीरोज निकालनी है, एक तो पहले मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है, x² - 2x - 8। पहले क्या करूँगी मैं, पहले क्या करते हैं हम, दो मिनट, पहले क्या करते हैं हम इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा कितना आएगा, 8 आएगा, ये 1 हो गया ना, 1 × 8, 1 मतलब सॉरी 8, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब ना अब मेरे को क्या करना है, जो प्रोडक्ट आया है ना, जो उसके फैक्टर बनेंगे उसमें -2 आना चाहिए, मतलब अगर मैं 8 का एलसीएम लूँ, 2, 4, 2, 2, इसका क्या मतलब है कहने का, कि मतलब अगर हम प्लस माइनस करें ना उसको तो -2 आए, और अगर उन दोनों को प्रोडक्ट करें तो 8 आए, 2 × 2 = 4, तो 4 2 था है ना, 4 × 2 करूँगी हो जाएगा, और 2 × 4 सेम बात है वैसे तो, ठीक है, हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं 4 और 2 को लूँ, अगर मुझे इन दो नंबर से प्लस माइनस करके
मेरा माइनस टू आ रहा है देन वो हो जाएगा, मतलब फोर और टू आ गए। अब मुझे इनसे माइनस टू ला सकती हूँ प्लस माइनस करके, प्लस माइनस करके ला सकती हूँ। कैसे लाऊंगी? देखो पहला पहली बात माइनस का है तो बड़ा माइनस का लेना पड़ेगा, इतना क्लियर। आंसर माइनस का है ना, तो मैंने जो बड़ा होगा मैंने उसको माइनस का ले लिया, एक साइड तो माइनस आ गया। अब माइनस माइनस मेरा माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस मेरा प्लस होता है, प्लस मेरा माइनस होता है, प्लस ये होता है, ठीक है ये मेरा होता है। अब एक चीज़ देखो, अगर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जब मैं फोर को टू से माइनस करूँगी तब मेरा आएगा ना, है ना, तब मैं फोर को टू से माइनस करूँगी तब मेरा टू आएगा ना, है ना। लाना तो मुझे माइनस टू है, माइनस का तो मैंने काम कर लिया, बड़े पे तो मैंने माइनस लगा दिया, अब टू भी तो लेके आना, टू तो माइनस से आएगा, माइनस से आएगा, एक माइनस तो पहले भी है तो मैं यहाँ पे प्लस लगा देती हूँ, है ना, एक माइनस मेरे पास पहले से तो मैं यहाँ पे प्लस लगा देती हूँ, इतना क्लियर। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कन्फ्यूजन और कर दिया ऐसे फैक्टर बता बता के। ओके अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एट आया, एट के फैक्टर कितने हैं फोर और टू हुए, माइनस करेंगे माइनस का फोर हो जाएगा प्लस ऐसे होगा, ठीक है क्लियर है ना क्यों हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। एक्स स्क्वायर, अब मैं माइनस फोर और प्लस टू किसको पहले लूँ, मैं किसको लूँ, मैं पहले पहले किसको लूँ भाई, कोई नहीं भाई करके देख लेते हैं, पहले प्लस टू को ले लेता है, पहले प्लस टू एक्स और माइनस फोर एक्स माइनस एट ले लेता है, ले 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 लेता है। इसको करते हैं तो क्या आएगा भाई, एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे एक्स बच गया, प्लस टू आ गया, इतना कॉमन है, देखो मैंने एक्स ले लिया एक, यहाँ पे एक ही एक्स था तो चला ही गया, सेम टू सेम ऊपर वाला यहाँ पे लिख लिया क्योंकि वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, ठीक है। एक्स मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे दो एक्स थे तो एक एक्स बच गया, यहाँ से एक्स चला गया तो टू बच गया। अब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, क्या लिया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, अब माइनस कॉमन ले लिया, अब मेरे पास क्या बचा भाई, माइनस तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरा बच्चा फोर ले लेती हूँ कॉमन, फोर कॉमन है दोनों में, है या नहीं, है ना कॉमन, तो मैं यहाँ पे एक्स आ गया मेरा, फिर प्लस में मेरा फोर की टेबल में एट किस पे आता है, टू पे आता है, ये दोनों सेम हो गए, एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर, है ना। अब एक्स को हम, अब ये मेरे पास दो आ गए, अब इसको और इसको जीरो के इक्वल पुट करके देखेंगे, ठीक है, एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स मेरा माइनस टू आएगा, ठीक है, और इसको करके देखेंगे एक्स माइनस फोर को जीरो के इक्वल पुट करके देखेंगे तो एक्स मेरा फोर आएगा, ठीक है क्लियर, इतना हो गया समझ, मतलब आगे समझ। अब अगर मैं इसको मतलब वैसे लेती तो क्या क्या होता भाई, अब मैं दूसरा पेपर लेती, ठीक है, अब देखो अगर मैं इसी को ठीक है बिल्कुल सेम टू सेम, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, मेरे पास क्या था माइनस फोर और प्लस टू, ठीक है पहले मैंने क्या लिया था माइनस टू लिया था या नहीं लिया था पहले, अब मैं क्या करती हूँ माइनस फोर पहले ले लेती हूँ, एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट ले लेती हूँ, ठीक है, एक्स मैंने कॉमन आ गया तो यहाँ पे दो एक्स थे तो एक एक्स बच गया, यहाँ पे फोर आ गया, देन मैंने यहाँ पे टू कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स बच गया और यहाँ पे फोर पे आता है ना तो फोर बच गया, ठीक है ये साइन लगाना मत भूलना, ठीक है क्योंकि हम कई बार लगाते नहीं है ना जल्दी जल्दी में। अब यहाँ पे एक्स प्लस टू आ गया, यहाँ पे मेरा एक्स माइनस फोर आ गया, जीरो के इक्वल रख के दिखाना, ठीक है मैं रफ में कर रही हूँ साइड में, तुम करके दिखाना, माइनस टू आ गया यहाँ पे एक्स माइनस फोर को जीरो के पुट करेंगे तो फोर आ जाएगा, फोर आ गया हमारा तो फिर भी सेम आया है ना। अब देखो कई बार हमारे पास क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि भाई आगे पीछे कौन कौन सा करना है, अब देखते हैं हम इसका रिलेशन करते हैं, रिलेशन जो इसमें हमने समझाया इसने समझाया था, देखो रिलेशन क्या है बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, इसने बोला है सम ऑफ जीरोस मेरा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, माइनस देखो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, अभी जो मेरे पास दो जीरो आए हैं ना, एक मेरा अल्फा है एक मेरा बीटा है, क्लियर ठीक है। अब इसने बोले सम किसका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, क्लियर। अब अल्फा माइनस टू प्लस फोर, इतना क्लियर, एक बार एक साइड का सॉल्व कर लेते बाद में उसका कर लेंगे,
अब बड़ा साइन किसका है, फोर का, तो प्लस आएगा, प्लस का साइन हम लगाते नहीं है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, टू आ गया। अब माइनस का साइन लग गया, बी क्या है भाई मेरा, बी क्या है मेरा, इक्वेशन क्या थी यहाँ पे लिख दो, फिर से लिखती, बी बी क्या है भाई मेरा, माइनस टू है ना, माइनस टू है, माइनस टू आ गया। ए कितना है भाई, है ही नहीं कुछ, तो वन आ गया, वन आ गया, आ गया। अब ये तो टू ही रहा और ये हो गया ना माइनस माइनस, प्लस हो गया, टू आ गया, टू टू के इक्वल आ गया, मतलब हमने ठीक किया। अब प्रोडक्ट और चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा इक्वल है सी बाय ए के, ठीक है। अब ये क्या बोला, एक बार फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए, लिख ली। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरा माइनस टू इंटू फोर, सी बाय सी मेरा माइनस एट बाय में वन, ठीक है, तो माइनस एट आ गया। अब मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, माइनस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस में होते वैसे, माइनस आएगा। अब फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, ठीक है, और यहाँ पे तो माइनस एट आ ही गया, मतलब हमने जो भी किया है ना वो ठीक किया है। ये होता है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशियंट ऑफ द पॉलीनोमियल। अब ये क्या, फिर इसमें देखो क्या है, जैसे कि हमारे क्या दे रखे हैं, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशियंट लिख दो, और फिर उसमें क्या है, फिर अ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट लिख दो, कोफिशियंट का मतलब तो तुम्हें पता ही चल गया, ठीक है, सिंपल वो ही है, मतलब उस वे में लिखते हैं, और यही ऐसे फॉर्म में लिख रखी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बाय।